मन में गलतफहमियां निकाल देने विवेक जी, गांव का समाधान करो, हमारे गांव का समाधान करो, नहीं झूठे बोलो, आप आके कमर्सी करते हो। हाँ करेंगे करेंगे आप असल ये वीडियो है बाड़मेर जोधपुर मार्ग पर डोली गांव है जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है वो अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए आई थी और वहां पर पहले तो ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन दिया और उसके बाद में दिया कुमारी का जब काफिला आगे निकल गया तो इसी दौरान जो ग्रामीण थे जिनके नेता जो थान सिंह डोली है जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से आते उनकी और पचपदरा से आने वाले विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी की है वो तीखी नोक झोंक हो जाती है। अब देखिए तीखी नोक झोंक है, पहले बहस हो जाती है और उसके बाद में जो थान सिंह डोली है वो गाड़ी तक पीछे आते हैं, गाड़ी के अंदर जाकर और सीधे तौर पर कहते हैं कि आप हमारी गांव की समस्या का समाधान कीजिए, देख लूँगा, तमाम तरीके से बात कहते हैं और उसके बाद में जो पुलिस वाले हैं वो अब देखिए किस तरीके से थान सिंह डोली को है वो गाड़ी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कमांडो है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जब गाड़ी निकलती है तो देखिए किस तरीके से जो गांव वाले हैं वो गाड़ी पर मुक्के मारते साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। ये नज़ारा आज का ही नज़ारा है, करीबन 10-11 बजे के आसपास का जो नज़ारा है। दरअसल क्या है पूरी घटना मैं आपको बताता हूँ कि डोली गाँव में बाड़मेर जोधपुर मार्ग पर है, वर्तमान के अंदर बालोतरा ज़िले के अंदर आता है। यहाँ पर जो डोली गांव और उसके आसपास के जो गांव है वहाँ पर जोधपुर और पाली के अंदर जो कपड़ा फैक्ट्रियाँ बनी हुई है उसका जो गंदा पानी है वो पिछले कई सालों से लगातार है वो इनके खेतों के अंदर आ जाता है, इनके गाँव के अंदर आ जाता है, इनके घरों के अंदर आ जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब बारिश की सीज़न होती है तो बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके बाद में खेत है वो ख़राब हो जाते हैं, खेत पर खेती नहीं होती है। तमाम इस समस्या को लेकर कई बार आंदोलन भी हुए हैं, सरकार की ओर से समाधान देने की कोशिश भी की गई लेकिन अभी भी वही समस्या है वो बरकरार है और उसी को लेकर आज जो है वो उस गांव की जो महिलाएं थी जो वहां के जो गांव वाले थे ग्रामीण थे उन्होंने दिया कुमारी को बताया कि साहब किस तरीके से ये तमाम चीज़ें होती है और उसके बाद है वो है इस तरीके से दिया कुमारी ने बाकायदा इस बात को लेकर आश्वासन भी दिया कि मैं इस समस्या का समाधान सरकार के लेवल पर जो भी तमाम चीज़ें होगी उससे बातचीत भी करूंगा और उसके बाद है वो इस तरीके से जो थान सिंह डोली है वो जो पचपदरा के विधायक है उनसे उलझ जाते हैं, उनसे बातचीत के दौरान बीजेपी के नेता है वो बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद है वो जैसे ही जो विधायक है वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं तो उसके बाद में थान सिंह डोली है पुलिस रोकने की बाकायदा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रस्सी लगाई गई थी ताकि कोई काफिले के अंदर है वो दिक्कत ना हो जाए, रस्सी लगाई, रस्सी हटते ही जो महिलाएं थी या वहाँ जो ग्रामीण थे वो पचपदरा के जो विधायक हैं उनकी गाड़ी के आसपास पहुंचकर उन्हें खरी खोटी सुनाने की कोशिश करते हैं तमाम समस्या को लेकर और उसके बाद में ज़बरदस्त तरीके से उनकी बहस हो जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरीके से क्या कुछ होता है वो हम आपको आगे पल पल की अपडेट देते रहेंगे लेकिन अब पूरा मैं आपको वो जो 44 सेकंड का वीडियो है वो बताता हूँ कि पूरा घटनाक्रम क्या कुछ हुआ था। समाधान करो, हमारे गांव का समाधान करो, नहीं झूठे बोलो, आप आके कमर्सी करते हो।